आप जानते हैं 11 अलग अलग देशों में वेयरहाउस क्लब संचालन के साथ कॉस्टको होलसेल एक वैश्विक खुदरा विक्रेता है जिसका मूल्य कई अरब डॉलर हो सकता है। वे हमारे उद्योग में व्यापक रूप से स्वीकृत नेता हैं, जो अपने व्यवसाय के प्रत्येक पहलू में गुणवत्ता के लिए प्रतिबद्ध हैं। और हम जिस असाधारण व्यावसायिक नैतिकता का पालन करते हैं उसके लिए उन्हें अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि वे विस्फोटक अंतर्राष्ट्रीय विस्तार वाला एक प्रमुख संगठन है, उनकी कंपनी एक परिवार जैसे माहौल को बढ़ावा देना जारी रखती है जिसमें उनके कर्मचारी फल फूल सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। कॉस्टको कैसे काम करता है? कॉस्टको के नाम से जाना जाने वाला वेयरहाउस क्लब एक सदस्यता मात्र संगठन है जो अपने सदस्यों को उच्च गुणवत्ता वाले ब्रांड नाम उत्पादों पर सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कॉस्टको, जिसकी दुनिया भर में सैकड़ों सुविधाएं हैं, विशेष विभागों और अद्वितीय सदस्य सेवाओं की सुविधा के अलावा उत्पादों की एक विविध श्रृंखला प्रदान करती है जो सभी आपके खरीदारी अनुभव को सुखद बनाने के लिए है। कॉस्टको की उत्पत्ति की कथा। कंपनी की प्रारंभिक सुविधा जो 1976 में प्राइस क्लब नाम से शुरू हुई, संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन डिएगो में मोरेना बुलेवार्ड पर स्थित थी। इमारत को हवाई जहाज हैंगर में बदल दिया गया था। शुरुआत में केवल छोटे व्यवसायों को सेवाएं प्रदान करने के बाद कंपनी को पता चला कि वह उन व्यक्तियों के विशिष्ट दर्शकों को सेवाएं प्रदान करके काफी अधिक क्रय शक्ति प्राप्त कर सकती है जो व्यवसाय समुदाय के सदस्य नहीं थे। संशोधन के कार्यान्वयन के बाद वेयरहाउस क्लब क्षेत्र का विस्तार निरंतर जारी रहा। कॉस्टको का पहला गोदाम स्थल वर्ष 1983 में सिएटल शहर में स्थापित किया गया था। 6 साल से भी कम समय में कॉस्टको शून्य से $3 बिलियन तक की बिक्री वृद्धि हासिल करने वाली इतिहास की पहली फर्म बन गई। प्राइस कॉस्टको संयुक्त निगम को दिया गया नाम था जो 1993 में कॉस्टको और प्राइस क्लब के विलय के परिणाम स्वरूप हुआ था। संयुक्त कंपनी के 206 स्थान थे और $16 अरब की वार्षिक बिक्री हुई। व्यवसाय के प्रति उनका दृष्टिकोण हमेशा सीधा रहा है। लागत कम रखें और बचत हमारे सदस्यों तक पहुंचाएं। उनके व्यापक सदस्यता आधार और महत्वपूर्ण क्रय शक्ति के साथ साथ दक्षता की हमारी कभी न खत्म होने वाली खोज के कारण वे अपने सदस्यों को सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण प्रदान करने में सक्षम हैं जो वर्तमान में उपलब्ध हैं।
1997 में कॉस्टको के रूप में खुद को पुनः ब्रांडेड करने के बाद से निगम ने दुनिया भर में अपने परिचालन का विस्तार किया है और हाल के वित्तीय वर्षों में इसका कुल राजस्व $64 बिलियन से अधिक हो गया है। कॉस्टको ने खुदरा उद्योग में पूरी तरह से क्रांति ला दी है। जब व्यवसायी सोल प्राइस ने सैन डिएगो कैलिफोर्निया में एक क्रांतिकारी खुदरा अवधारणा प्रस्तुत की तो वह खुदरा उद्योग में काम कर रहे थे। प्राइस क्लब दुनिया का पहला सदस्यता वेयरहाउस क्लब था। यह एक ऐसा स्थान था जहां सदस्यों को बेजोड़ बचत तक पहुंच प्राप्त थी और यह एक ऐसा स्थान था जहां कुशल खरीदारी और संचालन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता था। प्राइस क्लब ने पहली बार अपने दरवाजे खोले तो ये केवल व्यापारिक सदस्यों के लिए उपलब्ध था। वे थोक माल और आपूर्ति की एक विस्तृत विविधता हासिल करने में सक्षम थे। जिम सिनेगल, जिन्होंने बिक्री वितरण और विपणन के कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया, ने वस्तुओं और विपणन रणनीतियों को परिष्कृत करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उन कारकों में से एक था जिसने प्राइस क्लब को एक ऐसी घटना में बदलने में योगदान दिया जिसने पूरी दुनिया में खुदरा बिक्री में क्रांति ला दी। आठ साल बाद जिम सिनेगल ने कॉस्टको होलसेल की स्थापना में अपने कौशल का निवेश किया जो उन्होंने जेफ ब्रॉटमैन के सहयोग से किया। 1983 में इन दोनों ने सिएटल वाशिंगटन में पहला गोदाम खोला। इस क्लब और कॉस्टको होलसेल दोनों ने अगले दशक के दौरान नवाचार और विस्तार जारी रखा। 1993 में दो मेगा रिटेलर शामिल हुए जिसके परिणामस्वरूप एक प्रतिभाशाली नेतृत्व टीम का गठन हुआ जिसने कॉस्टको को दुनिया के सबसे सफल वेयरहाउस क्लब के रूप में स्थापित किया।
आज जैसे जैसे कंपनी का विकास जारी है, यह उन विशेषताओं को बरकरार रखे हुए है जो दुनिया भर में लाखों समर्पित सदस्यों को आकर्षित करने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण रही है। उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराने के प्रति समर्पण। आमतौर पर सुपरमार्केट में पाए जाने वाले 30,000 स्टॉक कीपिंग यूनिट SKU की तुलना में कॉस्टको के गोदामों में लगभग 4,000 SKU होते हैं। अपने सदस्यों को सर्वोत्तम संभव मूल्य प्रदान करने के लिए कंपनी गुणवत्ता, कीमत, ब्रांड और सुविधाओं जैसे कारकों के आधार पर उत्पादों का कठोर चयन करती है। रचनात्मकता और उद्यमिता। कई दशकों के दौरान उद्यमशीलता की भावना और गुणवत्ता की खोज कॉस्टको के हर स्तर पर कर्मचारियों की विशेषता बनी रही है। इसकी कार्यकारी टीम से लेकर गोदाम के कर्मियों तक हर कोई सदस्यों की अपेक्षाओं को पार करने के लिए एक समान उद्देश्य में एकजुट है। स्टाफ पर ध्यान दें। अन्य फॉर्च्यून 500 फर्मों की तुलना में कॉस्टको को अक्सर अपने कार्यबल पर कहीं अधिक जोर देने के रूप में उद्धृत किया जाता है। कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धी वेतन और उत्कृष्ट लाभ प्रदान करके कंपनी ने कार्यस्थल पर एक ऐसी संस्कृति स्थापित की है जो प्रतिभाशाली, उच्च ऊर्जा और हंसमुख श्रमिकों की भर्ती के लिए अनुकूल है।
इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो इस तरह के और अधिक अद्भुत वीडियो के लिए सदस्यता लेना, लाइक करना और घंटी आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद और आप पर भगवान की कृपा हो।